बात तो सही है। ये देख रहे हो ना पुलिस वाले भी भगा रहे। ये क्या बात हुई दरोगा साहब? ये देखो गाइस पार्किंग में क्या बेच रहा है यार, देखियो। अरे देवा, ट्रिमर चेक कर रहे हैं शर्मा जी। ए फ्यू मोमेंट्स लेट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं पता है फाइनली संडे को सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं और शर्मा जी। कहाँ जा रहे हैं पता है? चोर बाजार से लेने जा रहे हैं जितनी, क्या बताऊँ, जितनी जैकेटें मिलेंगी ना सारी जैकेटें लेके आनी है अपनी दुकान के लिए। बात तो सही है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि जैकेटें ना वहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आज चलते हैं शर्मा जी संडे को। और मौसम ना यार इतना खतरनाक हो रहा है, इतना खतरनाक हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है ठंड आ गई है भाई सुबह सुबह, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है भाई, क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से ये सीन है। देखो भाई, हम लोग शर्मा जी बड़े बड़े हेलमेट लगा के जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हेलमेट। अच्छा शर्मा जी की देखियो, शर्मा जी की टांड भी टांड रहे, वो बर्फ़ गिर रही है भाई, पीछे से कोई ठोक देगा फिर ऐसी कैसी हो जाएगी। गाइस फाइनली आ गए हैं भैया जामा मस्जिद शर्मा जी के। हैं सारी पार्किंग देखो भैया, चोर बाजार की बहुत तगड़ी। शर्मा जी आ गए हैं, हेलमेट रख देते हैं भाई वहाँ, 10 रुपए लगेंगे और चलते हैं फिर सीधा अंदर। गाइस देखियो यार कितनी सारी भीड़ हो रही है यार, मैं तो भैया फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और यहाँ के माहौल देखो भाई, ये देखो भैया चोर बाजार तो चोरी बाजार है यार, देख रहे हो ना रोड पे इतनी भीड़ लग रही है, इतनी देखियो भाई कितनी भीड़। गाइस पता है जो मैं लेने आया हूँ ना वो बहुत ही अंदर मिलती है और दुकान मुझे पता नहीं है भाई। शर्मा जी यार इधर उधर भग रहे हैं। गाइस देखो हम फाइनली आ गए हैं अंदर वाली मार्केट में। ये देखो पानी भर रखा है और ये देखो भीड़ कितनी हो रही है, देख रहे हो ना भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा यार, पता नहीं भाई। सुबह सुबह अपनी सारे के सारे नींद ख़राब करके आते हैं और मिलता कुछ नहीं भाई, मेरा मान में है बस, अलग ही ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो भीड़। ये लोग देख रहे हो ना सुबह सुबह भाई, पाँच कहते क्या कहते हैं 3-4 बजे ही अपनी दुकानें लगा देते हैं। ये देखो टीवी भी मिल रही है, टीवी चाहिए भाई। ट्रिमर चेक कर रहे हैं शर्मा जी, सही चल रहा है? साफ करे तुम्हारे क्या, इतनी साफ करोगे देखिए। हाँ सही तो लग रहा है यार। कौन सा ब्रांड है ये? STC ब्रांड, यहाँ कुछ नहीं होता, जो बेचते वही ब्रांड है। अच्छा यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना क्या बताऊँ, भीड़ भाड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा यार क्या लूँ क्या ना लूँ यार, इतना बुरा हाल है। गाइस यार इतनी भीड़ हो रही है यार, इतनी भीड़ हो रही है, हद से ज़्यादा। जो मैं लेने आया था ना वो तो मिल ही नहीं रहा है मुझे भाई, और फाइनली जाके ना एक पैंट ले लिया मैंने भाई, देखो यार शर्मा जी भी ले रहे हैं भाई। बात तो सही है। भाई देखो ऐसे देखते हैं अपना सामान, देख रहे हो ना 500 रुपए राइडिंग जैकेट और पैंट लेने आए थे ना, ये देखो फाइनली ये मिल गया भाई, और ये बहुत ही सस्ता है। कितने का शर्मा जी? 200 रुपए का। अच्छा ये भाई यार पैडिंग लगवा लूंगा इसमें, पैडिंग लगवा के ना हाँ तुरंत बन जाएगा बढ़िया, ठीक है। ये क्या था, ये ब्लैक है? ये देख रहे हो ना पुलिस वाले भी भगा रहे हैं। ये क्या बात हुई दरोगा साहब? क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, ये मेन रोड पड़ता है ना, मेन रोड की वजह से टाइम तो लगता है भैया। शर्मा जी देख रहे हो ना पुलिस वाले की हरकत है, डंडे लेके खड़े हैं पुलिस वाले 4-5, सारे के सारे भगा रहे हैं क्योंकि ये मेन रोड है ना, मेन रोड पर भाई तुम लगाओगे सामान वामान, भीड़ करोगे, ट्रैफिक जाम होगा, फिर क्या फ़ायदा। बात तो सही है। ये देखो गाइस पार्किंग में क्या बेच रहा है यार, देखियो। अरे देवा, अकेले भाई पता नहीं क्या है। गाइस मैं आ गया फाइनली पार्किंग में, क्योंकि भाई बहुत सारा सामान ले लिया, देखो ये एक ये बहुत सारा थैली होगी मेरे पास। क्या क्या लिया तो बताओ, जूते चप्पल कच्चे बनियान, इसमें पता नहीं क्या क्या, मैं खुद भूल गया भाई। क्या बोला तुमने लिया? मुझे याद है मैं बताऊँ, गर्मी इतनी लग रही मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या लिया, बहुत सारी पिन्नी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, और हालत इतनी खराब हो गई पता, रात में नींद भी नहीं आई कि सुबह सुबह जाना है कि भाई फिर लेट हो जाऊंगा, 5:30 बजे उठ के आ गया यहाँ, और इतना क्राउड इससे ज़्यादा ऐसी तैसी होगी कसम से, और क्या बताऊँ, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अब भाई अब मैं यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही सारा कुछ सामान ले लिया, जो लेने आए थे ना पर्सनली वो चीज़ मुझे मिली नहीं है। क्या लेने आए थे? जो राइडिंग पैंट नहीं था मेरे पास वो लेने आया था, वो मुझे मिला नहीं, तो भाई जो दूसरा सामान मिला वो ले लिया। अब जब मैं क्या कहते हैं मनाली से घूम के आएंगे ना वापस,
फिर एक बार और ट्राई कर लेंगे। जिस लड़के ने मुझे बताया था ना, अच्छा लड़के को लेके आऊंगा फिर मिल जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं, और इतना क्राउड है, आज से ज्यादा क्राउड है, सोच नहीं सकते कि भाई पहले इतना भीड़ नहीं होता था। पहले जब आते थे 4-5 साल पहले ना, अब यूट्यूबरों ने इतना फेमस कर दिया, हला है कुछ नहीं भाई, यूट्यूब के यही मार्केट शाम को भी लगती है भाई। अच्छा जयपुर में जाके दुकान लगानी है, देखो ये दुकान भाई 100-100 रुपए में ले जा रहा हूँ, 150-150 रुपए में बेचूंगा भाई, जिसे चाहिए वो ले सकता है मेरे से, ठीक है, कमेंट करना। बात तो सही है, अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तब तक के लिए वी सेफ राइट सेफ, जय हिंद।